एक दिवसीय शाहीन बाग की तर्ज पर एनपीआर सीएए एनआरसी को लेकर विरोध दर्ज करवाया गया। वहीं शाहीन बाग की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के ऊपर रिहाना सिद्दीकी ने बताया कि भारतीय संविधान की तर्ज पर राष्ट्रीय जनगणना पुराने प्रारूप के अनुसार होनी चाहिए। एनपीआर सीएए एनआरसी एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रिहाना सिद्दीकी एवं सिंगरौली के सैकड़ों महिलाओं के तत्वाधान में कलेक्टर कार्यालय के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सिंगरौली को शाहीन बाग बनाया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं एसोसिएशन, मूल निवासी संघ, भीम आर्मी, नाजी संघ, आम आदमी, मध्य प्रदेश मुस्लिम पिछड़ा वर्ग विकास परिषद शामिल हुआ। मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी एवं कई संगठनों ने उक्त काला कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया। उपस्थित सभी वक्ताओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून को देश हित में न होकर देश विरोधी बताया और कहा कि जंगल में रहने वाले गरीब दलित आदिवासी अपनी नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पाएंगे, जिससे यह कानून वापस किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय जनगणना पुराने प्रारूप के अनुसार होनी चाहिए। इंडियन लाइट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता हुसैन हसन सिद्दीकी ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छायाचित्र को शासकीय अर्घ शासकीय कार्यालय में अनिवार्य किया जाए। इस संबंध में भी ज्ञापन सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर सिंगरौली को ज्ञापन सौंपा गया। उक्त अवसर पर रिहाना सिद्दीकी, शहनाज खान, सिब्बी सिद्दीकी, रानी सिद्दीकी, अंजुम सिद्दीकी, समा सिद्दीकी, संयुक्त मोर्चा के प्रभारी अशरफ अली अंसारी, नंद किशोर पटेल, उसैद हसन सिद्दीकी एडवोकेट, मन्नान खान एडवोकेट, मोहम्मद असीम एडवोकेट, गंगा शाह एडवोकेट, रियाज मोहम्मद जम्मू बैग, मोहम्मद शाहिद खान रिंकू, निर्भय जयकर, मकसूद रजा, रतिभान वर्मा, इलियास खान, राम मिलन केवट, मोहम्मद हुसैन, अली बख्श, रामब्रिज कुशवाहा, रियाज रफीक, हेमंत वर्मा, हफीज हसन, सुरेंद्र केवट, अली बख्श, संदीप शाह, कमर उस्मानी, अजय वर्मा, राहुल वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। हम सभी को सलाम करते हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय रिहाना सिद्दीकी एवं वार्ड क्रमांक 39 बैढ़न के पूर्व प्रत्याशी रही हैं शहनाज खान, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगाज किया। आज महिलाओं की जो उपस्थिति है उससे लगता है कि हमारे समाज की महिलाएं जागरूक हैं। जो कौम अपनी हक की लड़ाई के लिए आंदोलन नहीं करती वो मुर्दा कौम कहलाती है। बानो, आज आपने बता दिया कि हम जिंदा कौम हैं और जब जब हमारे हक अधिकार की बात आएगी तो हम इसी तरीके से भारतीय संविधान के दायरे के अंदर में रहकर आंदोलन करेंगे। साथियों, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, अगर जीना है तो मरना सीखो। साधारण तरीके से हक मिलने वाला नहीं है, हर बात पे लड़ना होगा। आज ये मंजूरी नहीं दे रहे हमें रैली निकालने के लिए, हमें फिर भी लड़ना पड़ेगा और निकालेंगे रैली। देखेंगे कि इनके जेलों में कितनी शक्ति है, जेल भरो आंदोलन करेंगे। साथियों, आप लोगों की शक्ति के वजह से, आप लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। साथियों, अगर हमें जंग लड़ना है तो हमें क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें इस भारत देश की इतनी ही शेरनियां मिल जाए तो जो देश में असामाजिक तत्व हैं उनको भगाने में समय नहीं लगेगा। हम आपको बता दें, आज कई महीनों से शाहीन बाग में महिलाएं आंदोलन कर रही हैं भारतीय संविधान के दायरे के अंदर रहकर। महीनों से चल रहे प्रोटेस्ट में किसी प्रकार का अपनी घटना घटित नहीं हुआ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व
नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मात्र दो दिन से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे हमारे दिल्ली में उपद्रवी मारपीट मारकाट और अहिंसात्मक व्यवस्था बना, जिससे आज हमारा दिल्ली जल रही है। ये हमारे गृहमंत्री, हमारे भारत सरकार की व्यवस्था है, भारत सरकार की सामने ला दिया है, हर डंडे को खाने के लिए सामने ला दिया है, लेकिन किस लिए? इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस भारत के लिए। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं हर वालिद के लिए, हर पिता के लिए, और मैं यही आखिर में कहना चाहती हूँ, साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। हालात के कदमों में सिकंदर नहीं झुकता, हालात के कदमों में सिकंदर नहीं झुकता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, पर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हम वो भारतीय हैं, हम वो भारतीय हैं, जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय रेहाना सिद्दीकी एवं वार्ड क्रमांक 39 बैरन के पूर्व प्रत्याशी रही हैं शहनाज खान, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगाज किया। आज महिलाओं की जो उपस्थिति है, उससे लगता है कि हमारे समाज की महिलाएं जागरूक हैं। जो कौम अपनी हक की लड़ाई के लिए आंदोलन नहीं करती, वो मुर्दा कौम कहलाती है। दोनों आज आपने बता दिया कि हम जिंदा कौम हैं, और जब जब हमारे हक अधिकार की बात आएगी तो हम इसी तरीके से भारतीय संविधान के दायरे के अंदर में रहकर आंदोलन करेंगे। साथियों, हक चाहो तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, अगर जीना है तो मरना सीखो। साधारण तरीके से हक मिलने वाला नहीं है, हर बात पे लड़ना होगा। आज ये मंजूरी नहीं दे रहे हैं हमें रैली निकालने के लिए, हमें फिर भी लड़ना पड़ेगा और निकालेंगे रैली। देखेंगे कि इनके जेलों में कितनी शक्ति है, जेल भरो आंदोलन करेंगे। साथियों, आप लोगों की शक्ति की वजह से, आप लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। साथियों, अगर हमें जंग लड़ना है तो हमें क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमें इस भारत देश की इतनी ही शेरनियां मिल जाएं तो जो देश में असामाजिक तत्व हैं उनको भगाने में समय नहीं लगेगा। हम आपको बता दें, आज कई महीनों से शाहीन बाग में महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, भारतीय संविधान के दायरे के अंदर रहकर महीनों से चल रहे प्रोटेस्ट में किसी प्रकार का अपनी घटना घटित नहीं हुआ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मात्र दो दिन से आंदोलन कर रहे हैं, जिससे हमारे दिल्ली में उपद्रवी मारपीट मारकाट और अहिंसात्मक व्यवस्था बना, जिससे आज हमारा दिल्ली जल रही है। ये हमारे गृहमंत्री, हमारे भारत सरकार की व्यवस्था है, भारत सरकार की संरक्षण में जो असामाजिक तत्व हैं, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटना चाहते हैं। साथियों, जबकि हमें इस देश में रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, सरकार रोजगार की बात नहीं करता,
हमें अच्छी स्वास्थ्य चाहिए, सरकार अच्छी स्वास्थ्य की बात नहीं करता। हमें अपने मुद्दों से भटकाकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की बात करता है। हम खाते हैं इस भारत देश बात करते हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों को मैं कड़ी निंदा करता हूं। अब ऐसे भारत सरकार का भी मैं निंदा करता हूं जो उठते बैठते सोते समय सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेता है। रहते हो भारत में और पाकिस्तान का नाम लेते हो। आज इस मंच में मैं उस पाकिस्तान का मुर्दाबाद का नारा लगाऊंगा, सब लोग साथ दीजिएगा, पाकिस्तान 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। अभी तो ये सिंगरौली की एक चिंगारी है साथियों, अगर इसी तरीके से भारतीय संविधान पर कुठारघात हमला होता रहा तो लगता है हमें भी सड़कों पे खून बहाना पड़ जाएगा। हमें मजबूर कर रही है भारत सरकार कि हम सड़कों पे खून। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।